मैं नहीं समझ सकता है कि आप कॉम्प्लीमेंट या इंसल्ट दे रहे हैं। मैं मेरा जीवन जी रहा है, मुझे जीने दो। मुझे टेकीला पीता है, वोडका पीता है, ड्रिंक में कोई शक्कर नहीं डालते। सुनो, मुझे फोटो अपलोड करने का शौक है। मैं हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड सेफ एट होम। गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर बिल्कुल ना निकले अगर जरूरत नहीं है तो, और पानी पीते रहे क्योंकि ये ही है एक तरीका जिससे हम हाइड्रेट रह सकते हैं गर्मी से बचाने का। गाइस, खुद देखो मेरी हालत क्या हो रही है शूट करते करते, मतलब घर में बैठ के भी, क्योंकि अभी बिना एसी और बिना पंखे के शूट करना पड़ता है फॉर यू गाइस एनीथिंग। सो गाइस, आज मेरी वीडियो होने वाली है द मोस्ट सेंसेशनल सेलिब्रिटी ऑफ बॉलीवुड। यस गाइस, हालांकि ना उन्होंने कभी कोई एक्टिंग करी है किसी मूवी में या किसी सीरियल में या किसी सीरीज में, बट स्टिल ही इज द मोस्ट लवेबल एंड द मोस्ट आस्क सेलिब्रिटी राइट नाउ। मैं बात कर रही हूँ द सेंसेशनल ऑरी। गाइस, अभी भारती टीवी पे, भारती ने पॉडकास्ट किया है ऑरी के साथ, जिसमें हम उसके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान पाएंगे, जैसे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, थोड़ी सी लंबी है बट डेफिनेटली वर्थ इट है, मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हम इसको सिर्फ एक लाइक फनी वे में देखते थे कि हाँ भाई अलग तरीके से पोजेस देता है, अजीब अजीब से मोबाइल कवर्स लेता है, बट एक्चुअली में और क्या है इस पॉडकास्ट से पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं समझ सकता है कि आप कॉम्प्लीमेंट या इंसल्ट दे रहे हैं। और ही आया है, इतना फेमस है, मूवी कभी नहीं किया है, गाना कभी नहीं किया है, टीवी सीरियल कुछ तो कुछ नहीं किया है, पर वो यहाँ आया है। आई एम अ लिवर, मैं मेरा जीवन जी रहा है, मुझे काम से बहुत नफरत है। मैं बियर नहीं पीता है, मैं वाइन पीता है, टेकीला पीता है, वोडका पीता है, ड्रिंक में कोई शक्कर नहीं डालते। नो कॉकटेल, नो मिक्स ड्रिंक, सिर्फ नीट बॉटल का भार और मेरा शॉट ग्लास का अंदर। मुझे फोटो अपलोड करने का शौक है। मैं एक्चुअली सब लोग के साथ लेता है, पार्टी का होस्ट, पार्टी का गेस्ट, पार्टी का स्टाफ, पार्टी का लॉयर, बिजनेसमैन। मुझे तीन गोल था जब मैं छोटा था, मुझे एक ड्रैगन चाहिए था, मुझे काइली जेनर से मिलने का था, मैं दो बार मिला, मैं उसका मेरा बर्थडे का केक उसका घर में काटा, और मेरा तीसरा ड्रीम था मुझे पैक्ट होने का था, और वो भी हुआ। फिल्म फेयर पहुंचा, नॉन फिल्म पर्सनैलिटी फिल्म फेयर पर स्टेज में, जैसे सेम स्टेज जो आलिया भट्ट, SRK सब सीनियर एक्टर और ही को बुलाया, एक बहुत बड़ा ऑनर था। सब लोग बोला नहीं कर पाओगा, मैं बोला जिंदगी में कोई मुझे नहीं बोल सकता है कि मैं कुछ नहीं कर। टी शर्ट पे भी लिखा है cool man, cute lagta hai, he's like energy na iske bilkul bachche jaisi hai। Hello and welcome to LOL podcast, aur aaj hamare saath hai Ori। Ori, 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 Ori bhai, Ori, 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 hamare ghar ki house help ne bola hai Ori, Ori, are didi Ori kaisa hoga औरी यार, औरी, औरी की ना फिल्म आई है मार्केट में, ना कोई गाना आया, ना कोई वेब सीरीज आई है, ना कोई कुछ आया भाई, औरी। बट औरी फिर भी औरी है। और औरी इतने कम टाइम में सुनामी की तरह आया, नहीं समझ सकता है कि आप कॉम्प्लीमेंट या इंसल्ट दे रहे हैं। और ही आया है, इतना फेमस है, मूवी कभी नहीं किया है, गाना कभी नहीं किया है, टीवी सीरियल कुछ तो कुछ नहीं किया है, पर वो यहाँ आया है। बट और ही कैसे आ गया यार ये गाड़ी से ट्रैफिक में? से देखते रहते थे तो कोई गैप होता था नहीं होता था, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। बट कोविड के बाद 2023 am I right? 2023 में सडनली हमने फर्स्ट एक वायरस गया, दूसरा वायरस आया। नो, एक अच्छा वैक्सीन आया, दूसरा पॉजिटिव, अभी कॉम्प्लीमेंट। आई सॉ यू इन सम वेडिंग वेयर आप कोई ब्लू कलर की गाड़ी है आपकी जी, और उसके अंदर से इंडियन ड्रेस में आप निकले। तब मैंने देखा कि औरी, मैं बोला यार ये नाम क्यों मेंशन किया, और ये नाम क्यों मेंशन किया। उसके बाद से तो हर जगह औरी 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 छाया। औरी के कपड़े नहीं कोई देखता, सिर्फ औरी का मोबाइल, उसके मोबाइल कवर है उसमें। आधे लोगों को लगता है कि औरी का मोबाइल के कवर का काम है, जो एवरीडे न्यू कवर चेंज ये वो। औरी के बारे में अगर कुछ भी ढूंढना है इंग्लिश में मिलता है, हिंदी में कहीं नहीं मिलता, इसलिए हमने ये वाला पॉडकास्ट रखा है कि जहाँ पे हम हिंदी में बताएंगे कि औरी कौन है,
और आपको पता मैं जब से पॉडकास्ट के लिए बात कर रही हूं मैं हिंदी में बात कर रही हूं और ही भी जवाब दे रहा है और बार बार एक ही बात बोलता है मेरे को अच्छे से हिंदी नहीं आता मैं कोशिश करता हूं बट वेरी गुड कोशिश हो रही इतना अच्छा कर रहे हो तभी आपको लोग पसंद कर रहे हैं आपको पता है बहुत कोशिश अच्छी कर रहे हो क्योंकि एक चीज है कि लवेबिलिटी बहुत है लोग सोचते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं यू नो कूल जैसा कूल दिखने में पर यस 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 भाषा गलत बोलने में कोई कूलनेस नहीं है ना तो तुम अभी खूब दिखते हैं कूलनेस तो भाई बहुत कोशिश करते हैं मेरा हिंदी बचपन से ही थोड़ा वीक है तो टूटा वूटा वो कोशिश ही बड़ी अच्छी लगती है ना कि आप उस चीज को बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन टूटा फूटा बोल रहे हो लेकिन लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यस कोशिश मैं कैसा दिखता है कि मैं कुछ बोल रहे सही या गलत तुम समझी में क्या बोल रहा था फिर ठीक है मैं कोई तकलीफ सिचुएशन में होएगा और कोई हिंदी में बात करे इंग्लिश नहीं समझ सकते पर वो समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं उतना सक्सेस है लेकिन और एक चीज देनी पड़ेगी यार कि आपने कुछ डिकोड किया है कि सोशल मीडिया क्या किया है बिकॉज सी पता क्या है व्हाट यू हैव डन सो देखो पैसा सबके पास है ठीक है दिमाग सबके पास है ठीक है जो आप कर रहे हो 100% इन टुडेज वर्ल्ड एवरीबॉडी स्मार्ट आपने क्या अलग किया आप मुझे बताइए मुझे कैसे आप अमी कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि मैं क्या अलग कर रहे शायद मेरा बाल थोड़ा अलग है और आप पूरे अलग हो एकदम अलग हो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बचपन से आपके चाइल्डहुड कहाँ बीता इंडिया में हाँ इंडिया में तो आप स्कूलिंग इंडिया में जी ग्रेट आपका लैंग्वेज क्यों ऐसा है फिर लाइक वेरी पॉलिश्ड क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल पूरा इंग्लिश वाला होगा नहीं मेरा इंग्लिश बचपन से ही बहुत पॉलिश था इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हाँ मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा और मेरा इंग्लिश मेरे लिए सेकेंड लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है वो हर मैं स्पैनिश ट्राई किया क्योंकि मेरा हिंदी स्कूल में अच्छा नहीं था मेरा मार्क्स नहीं आ रहा था मैं स्पैनिश ट्राई किया स्पैनिश में एक भी शब्द नहीं याद है फिर मैं कोरियन किया था तो मैं एक्चुअली मैं कोरियन में भी थोड़ा थोड़ा बात कर सकती दूसरा दिन में एक ईद पार्टी में था और वो बिग बॉस से वो जब भी बिग बॉस से निकला वो ओरा आया और ओरा आया हाय मैं ओरा मैं आपको मिलने का था मैं उसको पूरा कोरियन में बात कर रहा था मेरा कोरियन मेरा हिंदी जैसा है सेम ठीक ठाक और सेम टू टेला जैसा वो समझ सकता था कि मैं क्या बोल रहा था हाय हाउ आर यू आई एम ओरी डिड यू ईट दिस दैट सब बेसिक पर न्यू वर्ड जैसा मैं कोरिया में होएगा एक सिचुएशन होएगा मुझे बाहर निकलने वो समझ सकते हैं वो मुझे मदद कर सकेगा तो उतना ही काम चला है स्कूल में भी डिफेंस मैकेनिज्म इतना टूटेला था कि मैं मेरा पूरा एसेस को मग करता था जैसे एग्जाम का पहले मैं 10 ऐसे लिखवा मेरा बहन कजन सिस्टर 10 ऐसे लिखती थी हर मग वर्ड टू वर्ड ब्रेन में डालता था फिर जो भी प्रश्न आता मैं डालता था इफ यू डोंट माइंड आप कितने साल के हो मैं अभी August में 29 होएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। हाँ, तो आपने पढ़ाई कंप्लीट की अपनी? हाँ, मैं पूरा कंप्लीट। कितना पढ़े हो रही? मैं मेरा अंडरग्रेड खत्म किया अमेरिका में न्यूयॉर्क में। और आप काम क्या करते? Like what you do? What ओरी क्या नहीं करता है? वो बोलो कि ओरी ये सबको पता करना है। वैसा गेम खेलेगा मैं अच्छा? क्या करता है मैं नहीं बोल सकता पर मैं क्या नहीं करता है मैं वो बोल सकता और ही खाना बना सकता है हाँ मैं खाना बना सकता है मैं तो बिग बॉस में भी खाना बना रहा था पूरा टीवी पूरा सब लोग बोला बिग बॉस बिग बॉस में एक दिन से और नहीं जाएगा मैं एक दिन में ही निकला था पर वो प्री प्लान्ड था पर मैं खाना बनाया मैं चपाती बनाया मैं सब्जी बनाया सब कुछ बनाया तो आप सब बना लेते हो खाना बिग बॉस में चपाती भी हम लोग एक घंटा चपाती मीटिंग किया था बिग बॉस का घर में जैसा इस कमरा में 6 लोग हैं 6 लोग सब 3-3 चपाती खाएगा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तो एक आदमी 9 चपाती खाता है दिन में और 6 आदमी 9 9 9 9 9 9 9 इस इन बरो 50 चपाती बिग बॉस पूरा देखा है पर कभी लगा नहीं कि ऐसा होता होगा 45 सो 45 प्लस 9 इज 54 चपाटीज के लिए कितना आटा कितना ऑयल पूरा मीटिंग किया है विंग स्केल के साथ विंग स्केल था हार्ट कितना और फिर चपाती बनाया घर में बनाया हाँ बनाया है क्यों नहीं हाँ कोविड में सब कुकिंग वुकिंग गाड़ी आते ऐसे और ऐसे लगता है और ऐसा उठता होगा फिर अपने बबल बाथ में जाता होगा ऐसा ही हो रही मुझे बबल बाथ नहीं पसंद
मिलाओ हाथ, मुझे भी नहीं पसंद, ज्यादा ही बबल बबल को कैसा निकालते, शावर नहीं जाना पड़ता है ना, और बबल बात में है, फिर बबल्स आँख में आएगा या हाथ गिला होगा, फिर फोन नहीं उठा सकते, किताब नहीं उठा सकते, फिर टॉवल को उठाने के टॉवल को हाथ को साफ ड्राई करने के, फिर फोन को उठाएगा, फिर वापस होएगा, फिर तो क्या मजा आएगा, सिर्फ यहाँ गर्म पानी और बबल में बैठ रहे यार, बबल की ऐसी तैसी कर दी हो रही है, जरा बबल अब नहीं आएगा बबल, सही बात है, दाल चावल और चिकन रोटी पराठा ऐसी चीजें, ढोकला ये वो, या और सिर्फ पिंक राइस ब्रोकली, पिंक राइस क्या होता है, मेरा जिंदगी में पिंक राइस राइस निकालती है और फिर फूड कलरिंग डालती है, लाल राइस पिंक राइस होते हैं, ब्लैक राइस, ब्लू राइस, पिंक राइस आजकल आया ना, आप लोग पिंक राइस, ब्लू राइस, ग्रीन राइस, मेरा घर में ऐसा राइस नहीं मिलता, हम लोग सिर्फ सफेद बासमती राइस मिलते हैं, सॉल्ट तो सुना है, स्टिकी वाला, हाँ स्टिकी वाले, वो जो हम कभी भी चाइनीज राइस खाते हैं ना, वो वाले कोरियन राइस जैसे स्टिकी वाले, अच्छा हाँ नहीं नहीं वो वैसा वाला स्टिकी राइस नहीं, जैसे जो सिर्फ बासमती नहीं, नॉर्मल व्हाइट राइस बट बहुत स्टिकी वाला, झूठ बोल रहा है, इज लाइंग, नहीं क्यों, वो बस वो वाला राइस जो नॉर्मल टुकड़े वाला, हाँ मजा आता है ना, ओ अच्छा मजा, क्यों क्या होता है, कटोरी लेता है और पूरा राइस को कटोरी का अंदर, छोटा कटोरी, और फिर ऐसा करो, और फिर कटोरी, फिर थोड़ा राइस का केक है, फिर केक लेता है और फिर दाल ले लो, केक को आइसिंग जैसा करो, तो पहले और ही खेलता है, मतलब दाल राइस अच्छा लगता है, हाँ दाल राइस आपका सबसे बेसिक फूड है, दाल राइस गलत कैसा हो सकता है, मैं यहाँ नहीं बेटर, मैं आई एम सो रिलेटेबल, मैं दाल राइस खाता है, नहीं सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड है, जब कुछ और नहीं है फिर दाल राइस ठीक ठाक है, बेस्ट है, पर मेरा सबसे बेसिक है कर्ड राइस, क्यों मेरा पेट बहुत सेंसिटिव है, अच्छा पर मैं राइस हर दिन नहीं खाता है, रोटी खाता है, आई मैं राइस से रोटी प्रेफर करते हैं, रोटी या पराठा, पर फिर भी मैं हर दिन नहीं खाता, हर दिन मैं सब्जी या कुछ नॉन वेज खाएगा, चिकन या कुछ प्रोटीन और सब्जी खाते है, सुबह में भी एक अंडा खाता है और फिर दिन में भी नहीं खाता, दिन में नहीं, नहीं दिन में नहीं खाते, फिर रात में सीधा सिर्फ रात, और मैं शक्कर कभी नहीं खाते, फुली कैंसिल, अच्छा एकदम एकदम ही बंद, आई डोंट नो, जो स्वीट टूथ है भी नहीं, कट डाउन, तो और आप जो पार्टीज करते हैं वहां खाते हैं कुछ, पार्टीज में तो ऑब्वियसली इतना शायद बहुत भूख लगे तो खाते, पर मैं ट्राई करते हैं खाने नहीं के लिए, और आप महीने में कितनी पार्टीज करते हैं, बहुत पार्टी, लाइक एवरी डे, एवरी डे नहीं क्यों, मुझे इतना भी दोस्त नहीं कि एवरी डे एक पार्टी हो सकता है, पर एवरी डे कोई मुझे बुलाएगा मैं जाएगा, पार्टी बहुत अच्छा लगता है, और हाँ क्यों नहीं, मजा आता है, तुम्हें मजा नहीं आता है पार्टी में जाने, आवाज नहीं सुनता, और हाउ आर यू, हम पता हमारा पता कैसा है, शायद आपका कान तो यार ढीला हो गया है, नहीं नहीं मुझे सब कुछ सुनता है, सो हम तो हमारा पता कैसा है, पार्टी हम नहीं जा सकते, क्यों, म्यूजिक, डांस, लाइट, सही बात है, अब कपड़ी यार, बट और मैंने ना पार्टी से हम नहीं जाते, क्योंकि मतलब हमको घर में रहते, क्योंकि हम शूटिंग वाले हैं तो म्यूजिक ना उधर बहुत होता है, तो घर में होता है कि चुप रहे, बट एक पार्टी आपने की है और क्या है, मेरा फैन का पार्टी, वो वाला, हाय रब्बा, सब लोग बोलते हैं मेरा DMs कमेंट्स में, मुझे औरी के साथ पार्टी करनी क्या है, मुझे आना मेरा दोस्त, मुझे पिक्चर चाहिए औरी के साथ, और फिर मुझे बहुत हेट भी मिलता है कि कोई औरी को नहीं पसंद है, कोई औरी को नहीं मिलने के, तो मैं बोला चलो टेस्ट करेगा, मैं एक फैन का पार्टी रखेगा, सब लोग मेरा ही टी शर्ट पहन सकेगा, एंट्री है औरी का टी शर्ट, मैं सोचा शायद चलो 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे कम से कम, मैं खुश होएगा, 500 प्लस टी शर्ट सोल्ड आउट था, सब लोग औरी का टी शर्ट, सब लोग एक कॉज के लिए आया था, वो कॉज था औरी, मैं भी वो कॉज, वो दिन मैं भी औरी नहीं था, मैं आया औरी का कॉज सपोर्ट करने के लिए, हम लोग सब वो ही कॉज आया, दिन आई एम अ लिवर, मैं मेरा जीवन जी रहा है, मुझे जीने दो, वो कॉज के लिए हम लोग सब आया, सूरत से लोग आए ट्रेन में, पुणे से लोग आए बस में, बैंगलोर का 4 AM फ्लाइट पर 10 लोग प्लस थे, मुझे हर आदमी को पता था जो बैंगलोर का 4 AM फ्लाइट ले रहा था, क्यों वो लोग ऑफिस, मंडे था पार्टी ना, तो वो लोग ऑफिस से निकल कर फ्लाइट लिया बॉम्बे, और पार्टी से वापस फ्लाइट लिया बैंगलोर, और पूरा पार्टी मचाया सबने, और मैं सब लोग के साथ पार्टी का अंदर था, जैसा वीडियो देखेगा कि मैं एक सेक्शन में नहीं था या टेबल या डीजे, नहीं मैं पार्टी का अंदर था, और जो भी फैन आया, जो भी टिकट खरीदा और मुझे मैसेज किया, मैं टिकट में उसको रिप्लाई कर रहा था, तो मुझे सब लोग को पहला से ही पहचान किया था, मैं अब भी सब लोग के साथ बात भी कर रहे, तो बहुत अच्छा, सब लोग बोला सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, कितना सिक्योरिटी गार्ड, 5-10, मेरे पास सिर्फ एक आदमी था,
और उसका ड्यूटी नहीं था सिक्योरिटी का, क्योंकि सब लोग इतना प्यारे थे, सब लोग लविंग थे, मैं एक भी मिनट के लिए अनसेफ नहीं फील किया। उसका सिर्फ काम था कि जब मैं थोड़ा थकेला था वो मुझे उठाकर वापस एक प्राइवेट सेक्शन दिया, जहाँ मैं एक दो ड्रिंक पीकर, एक पानी का ग्लास पीकर वापस अंदर आया। अरे 500-550 लोग फोटो खिंचाया सबके साथ। सिर्फ एक लड़का है, राघव नाम था, सिर्फ वो बैंगलोर से था, सिर्फ उसको पिक्चर नहीं मिला। क्यों? वो बोला कि मैं बहुत शाय था आने के लिए, पर मैं बोला क्यों, इस पार्टी का पॉइंट था कि सब लोग को, मैं बोला कि मैं यहाँ 6 बजे तक बेटे का क्लब बंद हो सकता है, मैं जमीन को साफ करेगा पर मैं बेटे का सब लोग को पिक्चर देगा, और पिक्चर देने के बाद उसका हाथ पर स्टैम्प भी डाला कि आपको पिक्चर मिला है, वापस चाहिए वापस आओ, मैं मना नहीं करेगा, पर जिसको स्टैंप नहीं है मैं देखेगा कि सब लोग टैटू के साथ गया है। सो राघव आपको फोटो नहीं मिला क्योंकि आप शायद थे, लेकिन औरी ने सिर्फ आपका नाम बोला है। सो जल्दी मिलो औरी को, और कोई शाय नहीं यार, आप जिसको प्यार करते हो आपका हक है, आपका हक है उससे फोटो लेना है। औरी 2500 रुपीज कम पैसा नहीं है, वो आम आदमी के लिए बहुत पैसा, तो तुम 2500 रुपीज का टिकट निकाला है मुझे मिलने के लिए, तुम पुणे से आए हैं बस में, तुम सूरत से, भुवनेश्वर से आए, जलंधर से आए, मैं देखेगा कि आपको कोई फोटो मिलेगा। वो मेरा ड्यूटी था देखने के लिए कि सब लोग को पिक्चर, 25 लाख का पिक्चर था 2005, फिर भी मेरा काम था देखने के लिए कि मुझे इतना प्यार करता है, मैं भी आपको इतना प्यार करता। कितनी स्वीट बात है यार कि आप इधर से कितने एक्टिव हो कि आपको अपने हर फैन का पता है, स्टैंप लगा रहे हो यार। और ये आपको बचपन से क्या बनना था, फेमस बनना था, हीरो बनना था, क्या बनना? मैं सोचा बचपन में मैं तो 10 लोगों के नाम ही आ इंजीनियर बनी। हाँ, पर वो सपना बहुत जल्दी टूट गया। अगले साल नेक्स्ट वीक में जब सपना आया, 2 दिन बाद सपना गया। बट और हम आपके फोटो देखते हैं सोशल मीडिया में बड़े बड़े स्टार्स के साथ, मतलब कोई ऐसा स्टार नहीं है जो आपको ना जानता हो, यस, और जिसके साथ फोटो ना हो। नहीं, आप क्या स्टार्स वाले स्कूल में पढ़े हो या उस सोसाइटी में या बिल्डिंग में रहते हो क्या? जैसा एक स्टार को स्कूल से पता था, एक स्टार तो कॉलेज में मिला, पर वैसा मैंने मैंने सोचा कि ये स्टार था, जैसे मैं बोलो को मिला स्टार बनने का पहला भी मिला था। पर आप लोग सोचते हैं कि मैं हर स्टार के साथ फोटो ले, और मैं लेता है, मुझे फोटो का बहुत शौक है, मुझे फोटो अपलोड करने का शौक है, पर सब लोगों ने सोचते हैं कि शायद मैं एक पार्टी जाएगा और दूसरा दिन मैं 50 फोटोज लगाएगा स्टोरी में। सिर्फ शायद 5 या 6 या 10 मैक्स स्टार के साथ होता है, लोगों बोलते हैं कि मैं एक्चुअली सब लोग के साथ डालते हैं पार्टी का बाद 50, सिर्फ ऑडियंस को स्टार का मुंह पता है और वो फोटोज का रिपोस्ट हाई होता है, पर मैं एक्चुअली सब लोग के साथ लेता है, पार्टी का होस्ट, पार्टी का गेस्ट, पार्टी का स्टार, पार्टी का लॉयर, बिजनेसमैन, जो भी है, जो भी मेरा दोस्त है, मैं वो लोग के साथ लेता है। और जब मुझे किसी को नहीं पता है मैं नहीं लेता है फोटो, जैसा मैं पार्टी में हो सकता है और कोई स्टार हो सकता है जो मैं उसके साथ दोस्त नहीं है, मैं नहीं लेगा फोटो, मैं ऐसा नहीं जाता है, मैं बहुत स्टारस्ट्रक हूँ मैं है, पर मैं वो लोग को ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं, मुझे पिक्चर चाहिए वैसा वैसा मैं नहीं कर, जिस लोग को मुझे पता है या उसको मिला है और अच्छा वाइब्स आए फिर मैं पूछेगा। बट आपको फोटो लेना अच्छा लगता है बहुत। और आपने बोला आप स्टारस्ट्रक हो, कौन से स्टार को देख के आप सब स्टार? मेरा सेल्फ से भी स्टारस्ट्रक है, जैसा मैं दूसरा दिन कोलकाता में बाहर गया एक अपीयरेंस के लिए, अकेला था मैं और मेरा मैनेजर, मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ काम भी करते हैं वो आया मजाक के लिए, पर तो मेरा टीम, बट दोस्त वाइज मैं अकेला था, अपीयरेंस था, मैं तो क्राउड में गया, सब लोग के साथ मजा कर रहा था, सब लोग मेरा पिक्चर ली, मैं मेरा सेल्फ से ही स्टारस्ट्रक हो गया, मैं इतना एक्साइटेड, एक दो दिन होएगा कि मैं बाहर जाएगा अकेला, मैं और मेरा अटेंशन, जैसा जो अटेंशन में मुझे बहुत मजा, कोई भी सोचेगा ओरी अकेला नहीं आया, नहीं नहीं मैं अकेला आया है, और जो सब लोग जो बाहर है मुझे टेंशन दे, मैं वो टेंशन के साथ बाहर गया, मुझे बहुत मजा आएगा। दूसरा दिन मैं ड्राइव कर रहा था, एक गाड़ी आया मेरा लेफ्ट, लोग था मुझे गाड़ी का नाम भी नहीं पता, मैं सीखना चाहिए ऐसे, मेरा गाड़ी को रोका है, निकल गया, मेरा फैन का गाड़ी में गया और वो लोग के साथ पूरा ड्राइव गया सीलिंग पे मस्ती के पाठशाला, वो लोग अभी मेरा दोस्त है। आपको जो अच्छे लगते हैं आप उनके ऐसे दोस्त बने? जी जी, क्या बात है यार, मुझे जिंदगी में बहुत टाइम है और मैं बहुत बोर होता है, तो मुझे मैं दोस्त को निकाल रही हूं, इस पार्टी से मैं 20 दोस्त निकाला है। और ये आपका खर्चा पानी कैसे चलता है यार, खर्चा पानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टार्स डोंट पे। आर यू रिच? सब लोग रिच है, एवरीथिंग इज परसेप्शन। तो आपको देखते हैं बड़ी गाड़ी में, देखते हैं स्टार्स के साथ, देखते हैं एक्सोटिक लोकेशन पे पार्टी करते हुए। किस एक्सोटिक लोकेशन में? एवरी लोकेशन इज एक्सोटिक, ठीक ठाक, पालियल एक्सोटिक हो सकता है। अंधेरी में रहने वाले के लिए तो है भाई। अंधेरी वाले तो, लेकिन सच में और ही मतलब
और मैंने देखा है कि जैसे ओरी किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर बाहर आता तो मीडिया होता है ना, मीडिया खुश हो ना, तो आपको क्या लगा, गुस्सा होता है कि खुश होते हो? ना खुश होते, वो लोग सिर्फ मेरे लिए अटेंशन दे रहे हैं, मेरे लिए चीयर कर रहे हैं, तो क्यों गुस्सा क्यों होएगा? और बड़े बड़े स्टार्स होते तब भी ओरी ओरी चिल्लाते हैं, बिकॉज़ उनको वाइब मिलती है ना, तो क्यों गुस्सा होएगा? अटेंशन किस, अटेंशन किसको नहीं अच्छा लगता? हाँ वाइब तो बढ़िया है, बड़े बड़े स्टार्स की पार्टी में देखा है, किसको पसंद नहीं है, नाचते खा रहे पार्टी में होता है, सेम खेल, सिर्फ लोगो डिफरेंट है। मतलब ऐसा तो नहीं कि फिल्मों की बातें हो रही होती है सिर्फ, कौन पार्टी आएगा और काम का बारे में बात करेगा, वो तो बोरिंग होएगा ना। जैसा फिल्म स्टार फिल्म पार्टी में जाएगा और सिर्फ फिल्म के बारे में बात करे तो पूरा ब्रेन पिघल जाएगा ना। और मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं एक्चुअली है, तो मैं तो फिल्मी का कॉन्वर्सेशन लाइक जैसा फिल्म का कॉन्वर्सेशन में अंदर आता भी नहीं। फैमिली में कौन कौन है? मेरा मामा पापा, मेरा दो भाई भी है। छोटा के बड़ा? छोटा और बड़ा। अरे वाह, और आप बीच वाले हो? मैं बीच ओ, वाले दूसरे नंबर पर। हम सब तीनों सोचते हैं कि हम लोग सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम है। मेरा बड़ा भाई सोचता है कि वो सिंगल है, मैं सोचता है कि मैं सिंगल चाइल्ड है, मेरा छोटा भाई भी सोचता है वो सिंगल है। बट रहते एक ही घर में तीनों? नहीं, अलग अलग रहते हैं। USA में रहते मेरा दोनों भाई, दोनों वहाँ काम करते हैं, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया। और मम्मी पापा यहाँ आपके साथ रहते हैं, बट वो आपको टीवी पे देखते हैं और ही हो रहा है, लोग पागल फोटो खिंचवा रहे, उनको अच्छा लगता है? हाँ, एक या दो दिन के लिए वो लोग दो दिन में खत्म हुआ। जैसा मैं अभी तक मेरा सेल्फ से स्टारस्ट्रक है, मैं अभी तक मेरा वो ने टेंशन से वाह वाह वाह, जैसा मैं दूसरे दिन बाहर गया, मैं वाह इतना टेंशन मुझे मिल रहा है, दे मूव्ड ऑन। मैं भी अब अपने आप से स्टार स्टार करूंगी। ये आपका ब्रांड है, आई एम अ लीवर। हां, ये मैं अभी बोला, मेरा टी-शर्ट और टिकट से नो वन कर सकता है, मतलब नहीं परचेस नहीं कर सकते, सिर्फ पार्टी के लिए। मैं क्या ब्रांड बनाऊं, मुझे कमेंट करके बताना। और सिर्फ जो पार्टी के लिए आए। अच्छा, तो मतलब ये कोई खरीद नहीं सकता? नहीं खरीद सकते। तो मैं पार्टी में अनाउंस किया कि जिसको मेरा टी-शर्ट है उसको मेरा दिल का 1 of 550 पीसेस है, तो किसी टाइम में किसी को देखेगा मेरा टी शर्ट में ना, मुझे पता होएगा कि ये कौन है। आइदर ये मेरा दोस्त है पहला से, कॉलीग था जो मैं गिफ्ट किया, या मेरा पार्टी से ये टी शर्ट आया है। दोस्तों, ओरी ने अपना ऑरा बना लिया है, अपनी दुनिया, अपने लोग, है ना। हाँ, क्या करना है ओरी जिंदगी में, क्या करना है? लाइक अभी तो आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, बहुत अच्छे से जी रहे हो। मुझे सिर्फ जीना है। नो गोल्स और ऐसा कि आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, नथिंग। मुझे तीन गोल था जब मैं छोटा था। मुझे एक जी वैगन चाहिए था, मुझे मिला, मुझे काइली जेनर से दो बार मिला, उसका मेरा बर्थडे का केक उसका घर में काटा। और मेरा तीसरा ड्रीम था मुझे पैक्ड होने का था, और वो भी हुआ। तो मेरा बचपन का यू नो फन ड्रीम्स, जो मेरा गोल था 30 का पहला मिलने के लिए, मैं मिला। इतना बड़े ड्रीम्स नहीं था, मुझे ऐसा नहीं सोचा। अरे ठीक है, और काइली जेनर की बात बताओ। काइली जेनर की बात क्या बताऊंगा? केक उसका कैसे काट दिया? वो मेरा बर्थडे का केक उसका घर में काटा। अच्छा, वो इतनी हॉट है यार? वो जी, वो ऐसा दिखती है, सच में हॉट दिखती है, वैसा दिखती है जैसा उसका पिक्चर इंस्टाग्राम से लिया और प्रिंट किया और उसको लाइव किया। वो वैसे यार, बट बहुत मतलब मैं तो भारतीय फैन हूँ यार, एक काइली जेनर नहीं दोस्त नहीं है, शायद दोस्त पर अभी नहीं, अभी उसका बच्चा है, दो बच्चा है, उसका जीवन जी रही है। बट भारतीय मतलब सॉलिड बन गई यार, कुछ वर्ड तो नहीं ऐसे और भी ना। आपका क्या प्रश्न था? बच्चा ऐसे लगता है कि ओरी को बहुत अच्छी वाली हिंदी आती। प्रश्न था, वो अपना जीवन जी रही है ओरी। आपको मुझे लगता है कि अभी आ जाना चाहिए, चाहे वो मीडिया की पैप की दुनिया में, तो चलो आप आ गए हो, अगर टीवी से वेब हिंदी क्लासेस भी दे देनी चाहिए मुझे। और मैं ऐसा सोचता है कि मैं हर दिन बोलता है, जैसा मैं बिल्डिंग का ऊपर है और मैं चिल्ला रहा है, मुझे टीवी या मूवी या शो में होने का कोई शौक नहीं है, मुझे काम से बहुत नफरत है, और टीवी पर आने और मूवी करने बहुत काम है। लोग यार, ये बंदा मुंह पे काम से नफरत है, किसको कौन ये पहला बंदा है? मुझे ऐसा जिम है, मुझे हर दिन जिम जाने के पतला रोल का, ये कैरेक्टर में होने का है, ये उनके रोल घर ले रहे, पब्लिक प्रेशर ओपिनियन आपका है, टीवी पर है, मैं कैसा दिख रहा है, और फिर
एक्टिंग या टीवी करने के लिए वो इतना बड़ा काम है, वो काम कभी नहीं एंड होता है, वो तुम्हारे साथ घर जाते सोता है तुम्हारे साथ, तुम उठते उसके तुम्हारा पूरा लाइफ हो, लोगों सोचते हैं कि इजी है, मेरे पास बहुत फिल्म और टीवी दोस्त है, वो लोग का जीवन आसान नहीं है, तो दुनिया यही कहती है काम अच्छा नहीं लगता होगा मुझे भी नहीं, लेकिन दुनिया के नजर आई लव वर्क, मैं तो काम हार्ड वर्किंग, जो भी ये देख रहे हैं कौन लेबर का ड्रीम, हु इज ड्रीमिंग ऑफ वर्क, कौन रात में सोते है आई एम सो एक्साइटेड to wake up, मुझे काम दे दो, मुझे बिना एसी बिना पंखे के बैठे में तुम्हें मेरा काम दे दो। जब मैं बिस्तर पर रात में सोते हैं, मैं सोचता कि मैं कल क्या पहनेगा, मुझे किस पार्टी जाएगा, मैं क्या हॉलिडे पर जाएगा, मैं किधर जाएगा, मैं कल मियाद सोएगा, मैं सोचा मैं कि मैं कल कोडाईकनाल जाएगा, मैं ना मजा आएगा, और निकल जाते हो हां हां मैं जाएगा भी, पर अभी मैं एक्टिंग कर रहा हूं तो मैं कैसा जाएगा, पूरा वन वीक का स्केड्यूल होगा, स्केड्यूल के बाद प्रमोशन स्किल्स का, इवन बिग बॉस में मैं सिर्फ एक दिन के लिए आ सकता हूं, मैं और आ ही नहीं सकते, मैं कैसा, अगर बिग बॉस वाले दोबारा बुलाए कि अभी 3 मंथ के लिए आओ, मेरे पास 3 मंथ कैसा है, मुझे कुछ आई हैव थिंग्स टू डू, मेरे पास चीजें है करने के लिए, जैसे मेरा बियर्ड को काटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ है, प्रायोरिटीज है मुझे, मुझे मैं काम नहीं ढूंढ रहा हूं, ढूंढ नहीं यार, ये पहला बंदा है, चिंता होती है कभी, आर यू इन स्ट्रेस और सैड समटाइम्स, ये प्रश्न लोगों मुझे बहुत पूछते हैं, मैं हर बार बोलते हैं कि यू नो चिंता मतलब प्रॉब्लम कुछ तुम्हें डरा रहा है या एंग्शियस बना रहा है, और ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, मुझे मैथ का बहुत पसंद है, मैथ्स टिंग 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 टिंग, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर है, सोल्यूशन फाइंडर है, तो कोई चिंता या कोई कुछ तकलीफ दे रहा है परेशान, मैं टाइम नहीं भर बात करता है, क्योंकि जिंदगी में जो भी है जितना पैसा तुम्हारा टाइम वापस नहीं आएगा, मैं अभी 28 है, अभी 29 होएगा, मैं 28 जितना पैसा दे, मैं 28 नहीं हो सकते फॉरएवर, यू नो मैं नहीं पकड़ सकते, तुम्हें टाइम पास टाइम वेस्टेज नहीं अच्छा लगता है, तो जब कुछ प्रॉब्लम है मेरा पहला चीज़ है कैसा सॉल्व करेगा, इमीडिएटली सॉल्व करेगा, और नहीं सॉल्व करेगा और नहीं सॉल्व कर सकते फिर मैं बोलते अच्छा कुछ नहीं करता है तो जो ही नुकसान हो रहा है होने दे और मूव ऑन, इतना सीरियस कुछ भी नहीं, अनलेस इट्स अ हेल्थ प्रॉब्लम या वैसा कुछ कोई चीज़, एटलीस्ट मैं लकी है टच वुड, मेरा स्टार शायद अलाइंड है, वैसा कुछ नहीं हुआ है जो मैं उसका आगे नहीं जा सकता था, मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि मेरे पास आईबीएस है, मैं कुछ स्पाइसी खाएगा फिर मेरा पेट फट जाएगा और फिर मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकते, फिर आप स्पाइसी नहीं खा सकते हो, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए लेज़ और कुरकुरे स्पाइसी होते हैं, वड़ा पाव खाया कभी रुक के ऐसा वड़ा पाव अखबार में लपेट के, मैं बोलेगा कि मैं आज ही वड़ा पाव खाया, वड़ा पाव और मैं मुझे पता भी नहीं था वाली वड़ा पाव भी नहीं, सब लोग वड़ा पाव का बारे में बात कर, मैं सोचा ये बर्गर है मकालू टिक्की और मैं सोचा कि मैं मकालू टिक्की खा रहा है जैसा पाव और ये येलो सूरज जैसा चीज, और मैं सोचा मैं मकालू में आलू टिक्की खा रहा है यार, और फिर एक दिन मैं बैठ रहा था, मैं किसी को बोला वो लाओ ना वो इंडियन स्टाइल बर्गर, क्या इंडियन स्टाइल बर्गर, ये आया वो आया, नहीं वो यू नो वो पाव और पाव का अंदर वो पैटी है, मैं आधा घंटा लिया किसी को समझाने के लिए कि मुझे एक बड़ा पाव चाहिए था पर फिर मुझे बड़ा पाव मिला, मुझे बहुत मजा आया, पर उसके अंदर वो चटनी मुझे बाथरूम में 2 दिन के लिए रखा। So, you know, जब कुछ अच्छा होता है जिंदगी में कुछ बुरा भी होता है। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे औरी का वीडियो देखा था, औरी ने कुछ खाने का वीडियो डाला था, उन्होंने उसमें ना राइस पापड़ पड़े, बॉयल ब्रोकली, ये वो, और औरी खा रहा है, और ये खाना होता है आपका? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, मैं हर चीज खाता है, तो औरी पूरा कांटे छुरी वाला है, मुझे ना फिंगर्स को गिल्ला होने का बहुत अनकंफर्टेबल है, मुझे मजा आता है जब भी मेरा दोस्तों को देखता है जब वो लोग यू नो फिंगर्स ले रहे हैं और ऐसा खा रहे हैं, पर मैं कभी नहीं वैसा खा, मैं ऐसा नहीं कि मैं मैं बहुत अमीर है या कूल है, मैं मेरा हाथ को खाना से नहीं चाहता, नो कुछ भी जैसा पॉटरी कर रहे हैं मेरा फिंगर्स को क्ले में नहीं डालेगा, जब मैं बर्तन को साफ करे मैं हाथ को ग्लव में डालेगा, मैं नहीं, मैं मेरा हाथ को पानी का बिगर कुछ भी वेट लिक्विड में मैं नहीं रखूंगा, लाइक स्लाइम में कोई आपको हाथ कभी नहीं करेगा, स्लाइम तो फिर भी ठीक है शायद गेम में है जो करेंगे, बट और सम कोई नेचुरली कीचड़ का एक वो कभी भी वो कीचड़ का वर्ड ही मुझे डराता है,
किचड़ कीचड़ तुम देखिएगा जब मैं खाना खा रहे हर बार एक नैपकिन होएगा शायद मैं स्पून फॉक के साथ भी खा रहे ना एक नैपकिन होएगा जो वाइप करेगा टिश्यू टिश्यू बॉक्स खत्म होएगा मैं मेरा हाथों को कुछ भी जैसा खाना जो गिला ही है नहीं कर सकता और ये देखो चम्मच से खाते ना फिर भी एक आधा दाना गिर जाता है वैसे हाथ से गोला बनाते हो और वो गोले को ऐसे दबाते हैं और उसका रस यहाँ तक आता है तो वो लोग क्या करते हैं वो जो गोला खाने से पहले उसका रस और यहाँ से ऐसे ऊपर लिया फिर वो गोला खाते हैं सच में आपकी टीम को भी पता होगा ऐसे भी कोई नहीं करता और ये सोच रहा है ये कौन से प्लेनेट से है नहीं और ये सच है और ये मतलब जो अपने स्किन का नमक सही बात है यार मैं भी सोच रही हूं बताना चाहती हूं यार मैं ओरी को एक दिन जंगल में लेके जाना चाहती हूं वहां ओरी को मैं बोलूंगी भाटी स्टॉप इट मैं चूल्हा बनाऊंगी ओरी वहां पे काटेगा सब्जी लड़की लकड़ा ड्राई है सब्जी जो ड्राई है मैं कर सकते हैं क्या हुआ ना बिग बॉस में एक्चुअली एक कैटास्ट्रोफी हुआ हम लोग सब्जी बना रहे थे सब्जी था ओकरा मतलब लेडी फिंगर सब्जी बना रहे थे इंग्लिश में ओकरा लेडी फिंगर और भिंडी को साफ करने का था तो पहला पानी में डालते पर क्या हुआ हम लोग रश में ऐसा भिंडी को चॉप किया और फिर भूल गया नहीं वॉश किया तो चॉप भिंडी को वॉश किया तो उसका सब अंदर जैसा नोजी के साथ बन गया और वो लोग बोला और ही आप भिंडी बना मैंने तो गाइस सबसे पहली बार जब मैंने पानी डाल दिया और कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं करोगे कभी नहीं कर सकते लाइक चीजें जो भी खेतों में कभी जा सकते हो पॉटी वोटी करने खेतों में डब्बा लेके खेत में लेके जाते हैं ये भी पानी का स्क्वीजिंग वीजिंग में नहीं करते हैं मेरे पास मेरा सिस्टम होता है पर खेत में इतना आसान है पॉटी करने के लिए खेत में लीफ है घास है पानी है नदी है खेत बहुत साफ है हमको बहुत साल से आदत हो गया ऐसा कुर्सी की तरह बैठने का खेत में ऐसा बैठना पड़ता है खेत इजी है समटाइम्स मैं शूट पर है हाँ जैसा मैं कुछ शूट कर रहे हैं और शूट का बाथरूम इतना फिल्थी है मैं भारी चाहते हैं और यूज करते हैं पॉटी की बात कर रहे हैं पॉटी सुसु जो भी बाथरूम इतना फिल्थी है जो लोकेशन मतलब कोई जंगल में या कोई लाइक बीच में या कुछ बाथरूम का पहला में भारी मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है मतलब ये सारी चीजें जो मतलब जो मुश्किल है वो जंगल में मतलब इधर शूटिंग का लोकेशन है और ओरी उधर आके जंगल में कर सकता है और डायरेक्टर साहब रेकी के लिए जाए उसमें उसके पैर में लग जाए और ओरी भी वो साथ में ओरी बोलेगा ये मेरा है कि नहीं आपको आंख है ना जमीन पर देखकर चलो जैसा साथ हो सकता है ओरी का पॉटी हो सकता है अभी वो तुम्हारा प्रॉब्लम है मेरा नहीं है मैं कैसा बोल गया एक जंगल में मैं वहां मेरा काम छोड़ा है वहां मत जाओ काम छोड़ा है तो वो तो डायरेक्टर है भाई वो तो रेकी करेगा यो इसका प्रॉब्लम है सिस्टम को लिए और क्या नहीं करना आपका आपका टॉयलेट कैसा है और ही मतलब आपने अच्छा बनाया हुआ है हाँ अच्छा ही है आई मीन मेरा पर्सनल टॉयलेट खेत की जैसा नहीं है वो अच्छा है तो ही अच्छा है ना खैर और ही लाइक आप जब पार्टी वार्टी करते हो हम आपको हमेशा फ्रेश देखते हैं तो आप क्या आप कौन सा अल्कोहल पीते कौन सी शराब पीते मैं बियर नहीं पीता है मैं वाइन पीता है टकीला पीता है वॉडका पीता है जो कुछ और ना मैं ड्रिंक में कोई शक्कर नहीं डालते नो कॉकटेल नो मिक्स ड्रिंक्स सिर्फ नीट बॉटल का बाहर और मेरा शॉर्ट ग्लास का अंदर और मैं ड्रिंक्स नहीं पीता है तो तुम मुझे कभी नहीं देखेगा एक ग्लास के साथ हाँ वाइन ठीक है नहीं तो शॉर्ट मैं वाइन को भी शॉर्ट की जैसा पीते वो मेरा टैलेंट है कि मैं एक पूरा ग्लास एक से पंजाब में आप उनके साथ पीने बैठो ना तो नीचे रखना मतलब इंसल्ट अगर मुंह में लगाया तो फिर नीचे करके इसलिए भी बोलते हैं चंडीगढ़ मेरा सबसे पसंद लोकेशन कौन सा वाला लोकेशन पंजाब में है कौन सा लोकेशन चंडीगढ़
आचू में मेरा दोस्त का शादी गया था और मैं सोचा कि मैं चंडीगढ़ में था पर मैं आचू लुधियाना में था, मुझे पता भी नहीं था मैं अमृतसर में लैंड किया, मैं वाघा बॉर्डर गया, मैं गोल्डन टेम्पल गया, मैं गाड़ी लेकर जलंधर गया, फिर मैं लुधियाना में शादी के लिए गया, मैं सोचा मैं चंडीगढ़ में पार्टी कर रहा पर एक्चुअली मैं अमृतसर में था, जलंधर में था और लुधियाना में था। और फिर मैं जिंदगी में बहुत बार गया है चंडीगढ़, बहुत मजा, मेरा पहला मेमोरी था कि मैं सोचा कि चंडीगढ़ पूरा पंजाब चंडीगढ़ है। अच्छा, तो मुझे पंजाब को बहुत अच्छा लगता है। जैसे लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र मुंबई है, लगता है कि पुणे ये वो सब है उसमें, लेकिन पंजाब अच्छा लगा और ही बहुत अच्छा, सबसे बहुत मजा आता है वहाँ और खाना इतना टॉप क्लास है, खाना तो बहुत। मैं अमृतसर में पैदा हुई हूँ, मेरा अमृतसर है वो, अमृतसर अमृतसर मैं और सोचा अमृतसर, अमृतसर क्या है, एक सिटी ऑफ अमृत, आई डोंट नो, अमृतसर अमृतसर वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर गोल्डन टेम्पल गए, बहुत मजा। और ही मुझे पता ही नहीं था कि आप अमृतसर गए हो, मुझे पता होता ना और ही लोग आपको उठा के ले जाते, मैं एक पोस्ट डाल देती और ही आ रहा है, उफ उधर दूसरे देश को पता चल जाता कि और ही आ रहा है। और ही आपको बाहर के मुल्क से भी मैसेज आते हैं, लोग दूसरी कंट्री से भी, जैसे लोग प्यार करते हैं बाकी कंट्री से भी आपको मैसेज करते हैं, बाकी मैं झूठ नहीं बोलेगा, बाकी कंट्री से इतना प्यार नहीं, पर आजकल आ रहा है, आजकल थोड़ा 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 आता है। जैसा मैं अभी लंदन में था और मैं कॉफी खरीद रहा था और एक औरत पूछे आप वो ही है ना ओरी, एंड ये लंदन में है, अंग्रेज औरत बोल रही थी, एंड मैं ऊपर देखा हाँ मैं है, एंड मैं पीछे देखा तो वो ही है ना, मैं भी कंफर्म किया था कि सिर्फ मैं था, वो मुझसे बात कर रही थी, मैं आपको देखा है, कहाँ देख, मैं इतना खुश हुआ, मैं स्टारस्ट्रक बाय माय सेल्फ एपिसोड 10 मैं ग्रुप चैट पर डाला है, ये कॉफ़ी लेडी मुझे पूछ रही है कि मैं ओरी है या नहीं, मैं दूसरा फेम का दूसरा रेल्म पहुंचा है कि हाइड पार्क लंदन का कॉफ़ी स्टैंड में पूछा, आपको कैसा पता है कि मैं ओरी है, मैं आपको वो इंस्टाग्राम पर पेज पर देख रहा था, मैं किस पेज पर, वो पेज तुम बहुत आते हैं, मैंने सोचा ये फैशन पेज है क्योंकि लंदन में है ना ये फैशन पेज, अब किस पेज निकालो पेज, वीरल भाई का इंस्टाग्राम निकाली है लंदन में, और भाई इस पेज पर तुम आते हैं ना भाई साहब, वीरल भैया ने मतलब अलग लेवल पे अंग्रेज औरत जो मुझे कॉफी बेच रही है, बहुत फेमस पेज है। अच्छा, और ये आपके बेस्ट फ्रेंड है कोई, लाइक अब तो देखो हम जिनको देखते हैं उनके साथ तो आप पार्टी करते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड से कोई मैं नहीं चुनता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड नोटिस करना इतने सब में ऐसा आंसर नहीं, एवरीबॉडीज फ्रेंड हां, बट ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको बार बार रोज मिलने का दिल करता है, मेरा हर दोस्त का मुझे रोज, जैसा यहाँ एक मेरा दोस्त है जो मैं उसको हर दिन मिलने का शौक आता है, पर वो उसका फोन बंद करेगी और उसके पास एक डुप्लीकेट फोन है और वो उस फोन को यूज करेगी और बोलेगी मेरा फोन मर गया था वो मेरा अटेम्प्टेड मर्डर भी की एक बार, वो जो हमने फेमस किस्सा आपके पॉडकास्ट में सुना था, करेक्ट वो यही है, 6 महीना के बाद उसको फॉरगिव किया है, पूछो उसको। तो आपको सच में ऐसा लगता है या आपने मजाक में वो बात बोली थी? उसका आगे में ये बोल रहे हैं, वो टाइम मैं इतना स्ट्रिक्ट डाइट पर था, क्यों, क्यों वो मुझे डाइट पर डाली थी, मैं एक दिन में 300 कैलोरी से और नहीं खा सकता था, हम लोग डिनर के लिए बाहर गया है और ब्रांड का डिनर था, तो जैसा सेट मेन्यू पर एडमामी रिजोटो था, तो वो वेटर को बोली है ये रिजोटो नहीं खा सकते, सिर्फ एडमामी खा सकते, ऐसे एक पूरा भाजी नहीं था जैसा रिजोटो था और उसके ऊपर 5 पीस एडमामी 3 पीस था, पूरा पूरा रिजोटो को निकाला, 3 पीस एडमामी डाला और मैं फोक कांटा के साथ, तो दिन में मैं 3 पीस या 4 पीस एडमामी खाया, ये सब दाने दाने सिर्फ वो, पर मैं बहुत पिया है डिनर पर, फिर हम लोग पार्टी के लिए गया है, तो सोचो कि वो मुझे खाना नहीं खाने दी, एम्प्टी स्टमक पे 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, 2 बजे वो गायब हो गई, मम्मी फोन कर रहे किधर है किधर, मम्मी वापस आ रही है, मैं वापस आ रही है, मैं आई एम कमिंग बैक, कमिंग बैक, और मैं शॉट पीते हैं, शॉट अभी 4 बजे हुआ है, 4 बजे 4:30 हो, आई एम कमिंग बैक, तो ओके यू कमिंग बैक, आई ट्रस्ट यू, थैंक यू, पिया है एम्प्टी स्टमक, अभी कितना पिया, उसका फ़ोन बंद की 4:30 इन द मॉर्निंग, मुझे कौन घर लेगा, क्या करेगा, मैं आई मीन मेरा ही फॉल्ट था, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, गाड़ी ड्राइवर था, गाड़ी सब था, पर ये रूफटॉप पार्टी था, क्या एग्जिट ढूंढने में मैं बालकनी से गिर सकता था, मैं पूल में ड्राउन हो सकता, कौन मुझे बचाने आएगा, और कोई मुझे नहीं बचाएगा क्योंकि स्टोरी इतना अच्छा होएगा, ओरी टेरेस से गिर गया पूरा मीडिया सब लोग को इतना लाइक स्टोरी ये होएगा ना, और ही गिरा भी मीडिया के सामने ताकि उनको कवर करने में आसान हो, ऐसे करते हो, ऐसा मत करना,
वाली को। अब पर क्या गलत था कि वो बोली नहीं कि मैं गया वापस नहीं आ रही। आजकल लोग स्टोरीज के लिए इसी में सोचा था, मैं पीगा मेरा दोस्त है कभी नहीं आए उस दिन पार्टी का भाई चले गया और 6 महीने के लिए मेरा जिंदगी से क्यों मैं उसके साथ बात ही नहीं की। लेकिन आप वो ऐसा नहीं आ गई है। और ही अभी दूसरी पार्टी होगी आपकी? नहीं देखिए क्यों ऐसा क्यों, अभी वो एक पार्टी में सिर्फ मेरा सबसे खास फैंस को कोम कर रहा था, निकाल रहा था। अभी लोगों को पता है पार्टी इतना फन था, क्या हुआ और ये सब लोग के साथ था पिक्चर। तो अभी कोई भी आएगा जिसको भी ऐसा पिक्चर चाहिए या करने के, एज इन वो 500 जो कुछ नहीं के लिए आया, वो लोग को पता नहीं था कि खाना फ्री था, कि और ही हम लोग को ड्रिंक्स देगा फ्री में और ही हमारे साथ नाचेगा। वो लोग आया सिर्फ देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है। और ही ने बोला आओ, और ही ने बोला टिकट खरीदो, और ही ने बोला टी शर्ट में हम लोग आया है। मैं वो लोग को मेरा दिल का टुकड़ा दिया। खाना वाना ड्रिंक सब आपकी तरफ से था? सो खाना हमारी तरफ से था, लाइक मैनेजमेंट जो हमारी टीम, हम लोग खाना की दिया और जो भी मेरा आसपास था मैं वो लोग को ड्रिंक्स दिया। जैसे आप बाहर गया और ड्रिंक्स खरीदा तो खरीदा, नहीं मेरा पास था तो मैं सब लोग को। और भाई आपको अगर को जैसे अभी कोई अपीयरेंस के लिए बुलाता है तो यू चार्ज मनी लाइक बॉम्ब? जी अच्छा खासा महंगे हो। हाँ क्या मैं सस्ता इस घर में बहुत है। ऐसे बता दो, ऐसे बता दो हाउ मच यू चार्ज। 25 लाख। वो तो ऊंचा बोल दिया। नहीं, ये हमारा ये कैमरा मैन है, इसका सवाल है कि और ही ऐसे करके फोटो खिंचाता उसका 20 लाख रुपया है जी। क्या मैं आपको फोटो देगा? तुम्हें दिया है, जैसा मैं तुम्हें दिया है तुम्हें दिया है, पर आप मुझे आएगा और एज एन फॉर्मली पूछ करेगा मुझे और का टच चाहिए। हाँ जैसे अभी आप मुझे 20 लाख चाहिए। आप जिस सिटी से आ रहे हो वहाँ पैसे लेके गए थे? हाँ अपीयरेंस था ना। आप अपीयरेंस कर हैदराबाद यार, और ही इतना बिजी है जी, और ये सब लोग आपको मैनेज करते हैं लाइक जी। भारती लिटरली बेइज्जती कर रही है। और बहुत मैनेजर्स हैं मुझे। सो वो क्या-क्या मैनेज करते हैं आपके लिए? मेरा जिंदगी। जिंदगी मतलब कैसे वाला? और वो जैसे आज अभी रात हो रही है, कल का सुबह मॉर्निंग का कौन बताएगा? मेरा पूरा टीम है, टीम सा एक मेंबर यहाँ है। फोरम मेरा फूड मैनेजर थी, पर मर्डर का इंसिडेंट के बाद नहीं है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा फूड मैनेजर मुझे 3 एडमामे खा रही है दिन में और फिर 20 शॉट टकीला और फिर गायब हो तो उसको निकाला है? पर नहीं, मेरा पूरा टीम है और अभी मैं DCA के साथ भी काम किया। DCA मेरा एक पूरा फॉर्मल टीम है और फिर मेरा डुप्लीकेट मेरा पर्सनल टीम है। DCA मतलब धर्मा टैलेंट्स। सो वो लोग आपको मैनेज करते हैं, दे विल गेट वर्क फॉर यू जी। मेरा कैलेंडर देखते हैं, एम्प्टी स्लॉट है, वो लोग सोचते हैं कि ये इनविटेशन है और काम डालने के लिए। पर आपको लगता है आपकी टीम आपको मतलब बहुत काम करवाती है? बहुत काम करवाती है। पैसे वाला फ्री वाला ऐसा ही, वो लोग मुझे बहुत पैसा कमाए, पर मैं सोचता कि एक हफ्ता में मैं एक जॉब करेगा वो काफी है, दो किया है तो वो बहुत है। ये लोग एक दिन में 2 जॉब्स डालते हैं। आज मैं 2 बजे हैदराबाद से आया है क्यों, कल मेरे पास 2 अपीयरेंस था, फिर मैं हैदराबाद से 2 बजे आया है, फिर पूरा दिन फोन कॉल यू नो लाइक वर्क कॉल्स, फिर मैं जिम गया, फिर मैं रेडी हुआ यहाँ आया। तो हम उसकी टीम को ज्वाइन कर लें क्योंकि हम कल भी फ्री है परसों भी फ्री। और ये टीम को तो मजा आता होगा ना, पार्टी वार्टी सब फुल एंजॉय। अरे ये लोग जाते हैं पार्टी में साथ में? समटाइम्स आते हैं। है कितनी खुशी हो रही है? हर बार नहीं, वो लोग मुझसे फेड अप भी है। औरी की टीम को कहा जाता है कि अगर औरी बहुत ज्यादा बिजी है और एक दिन में नहीं 2 अपीयरेंस कर सकता तो प्लीज मत करो, तीसरा वाला हमको करवा दो। हम चाहते हैं कि औरी थोड़ा फ्रेश रहे, स्किन ग्लो करे। सो 3 इलायची मुझको Honestly. आप लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा हिंदी स्पीकिंग पर्सन से पहला बात ही नहीं किया। और मैं 90.99 देखो हमारे दिमाग में ना, हम बहुत पॉलिश लोगों के साथ ना कभी हमको ऐसा बड़ा डर लगता है कि हम क्या बात करेंगे, हम रिलेटेबल रहेंगे क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हो, अंबानी है वो ठीक है।
मैं कल एक चैरिटी विजिट किया था सुबह में, रूरल एरिया पनवेल का रूरल साइड गया था एक स्कूल देखने के लिए। मैं आ रहे हैं, मेरे हॉलीडे पर है, तो मुझे वापस बॉम्बे में आएगा, मैं आएगा। और मैं आया और भी गया स्कूल देखने के लिए, सब बच्चे को मिला, प्रिंसिपल को मिला, स्कूल का सर को मिला, और सर एक बार नहीं 10 बार बोला मुझे कितना खुशी आई कि तुम आया। मैं जैसा हम लोग सब तुम्हारे बारे में सोचा वो वैसा नहीं है। मैं क्या सोचा, वो लोग बोले कि अब हम लोग आपसे बहुत डर रहे थे कि सोचे इतने आदमी चिल आउट, सर जी काम डाउन, आपका जिंदगी में आप हीरो है, मेरा जिंदगी में मैं हीरो है, हम लोग सब हमारा जिंदगी में हीरो ही है। तो ऐसा कभी मत बोलो कि आप ये बैकग्राउंड से, मैं ये बैकग्राउंड से, ऐसा जिंदगी जीगा फिर मैं किसी को भी नहीं मिल सकेगा ना, किसी जो मेरा ऊपर है या नीचे साइड है या लेफ्ट या राइट, मैं ऐसा सोचेगा कि बैकग्राउंड हमें डिवाइड करेगा, तो ऐसा कभी नहीं। और ये आपका सबसे बड़ा फैन कौन है? मैं। सच में? जी, मैं मेरा बिगेस्ट फैन हूँ। मैं शीशा देखते हो, कुछ बोलते हो अपने आप को? मैं शीशा नहीं, शीशा मतलब हाँ शीशा तो होता है, अभी पानी इस्तेमाल किया मुझे कंफ्यूज की। मिरर देखते हो आप? जी, मिरर में अपने आप को शीशा तो होता है, ये नहीं पता कि नहीं। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं, मतलब आप अपने फैन हो ना, तो जब अपने आप को देखते हो वाह। मेरा लाइफ में बहुत मोटो है और एक मोटो है, कभी भी एक मिरर को पास कर। हाय हिंदी बना रहा है, हाय। तो मैं हिंदी में नहीं सोचते, मैं इंग्लिश में सोचते फिर मैं ट्रांसलेट करते हैं कि कभी एक मिरर को मत पास कर बिना देखने। देयर इज नेवर पास अ मिरर विदाउट लुकिंग इन, लुक फॉर इवन वन सेकंड। बोलो क्या बात है। और ये मेकअप के, कपड़ों के, बाल के मामले में अच्छा बच्चा है, मतलब अच्छा मान जाता है कि मुंडी जरूर हिलती है। नो नो, ये अचेंज, मेरे बाल ऐसे ऐसे वाले हो कैसे? वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर क्लोथ्स, हेयर, मेकअप। जो कपड़ा मैं अभी पहन रहा है एक्चुअली मैं ये कल पहना है, सेम चीज को परसों पहना है, सेम चीज को उस दिन का पहला पहना है, तो मैं 3 दिन सेम आउटफिट पहन रहे। तुम इंस्टाग्राम पर जाएगा तुम देखिए आप सेम आउटफिट, और मैं अभी इसके बाद बाहर जाएगा मेरा दोस्त का एक पार्टी, सेम चीज। तो मुझे कपड़े का एज एन आई लाइक ड्रेसिंग अप, पर और मैं मेकअप नहीं पहनता है, मुझे एक स्ट्रिक्ट रूल है मैं मेकअप नहीं पहनता है। तो ये जो स्किन है इस पर कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, देखो। हाय यार, नहीं नहीं इतना इतना नहीं चाहिए यार, नहीं, लोगों सात बार पूछते तुम क्या क्या स्किन। गोरा लड़का, गोरा है, सुंदर है यार। थैंक यू, हाउ स्वीट। पर बाल इतने घने और कट, उफ, मतलब कैसे हो रही। बड़ा अपना ध्यान रखते हो, जिम विम जाते हो? हाँ, जिम जाता हूं, वो डिसिप्लिन के लिए भी है ना, वो मेरा दिन में हर दिन जिम जाता है, वो मेरा डिसिप्लिन, मेरा रूटीन। सुबह कितने बजे उठता है औरी? मैं ओके, मैं अर्ली सो जाता है तो मैं 8 बजे उठेगा, पर मैं लेट सोएगा तो मैं 8 बजे सोएगा। ऐसा दिन हुआ है जो मैं कल मैं आज 6 बजे सो गया, 7 बजे उठ गया, और वो चैरिटी स्कूल गया, फिर हैदराबाद गया, फिर वापस आया 4 बजे सोया, और आज 10 बजे उठ गया, फिर वापस सो गया। एक डिफरेंट डेज, नो देयर इज नो स्लीप शेड्यूल नहीं होता है मेरे लिए। बट यू ट्राई टू स्लीप लाइक मोर। फ्लाइट में सो जाते हो? हाँ, सोते हैं, नहीं सोते हैं, व्हाटएवर। और ये फ्लाइट में भी लोग पहचानते हैं? हाँ, इंडिया में तो हर जगह यार, मैं तो ये मानता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि कम टाइम में, जो भारतीय ने स्टार्टिंग में बोला था, वो साउंड ऐसा करता है कि आदमी मजाक कर रहा है, बट सच में बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसको दूसरे लेंस से देखो तो बहुत बड़ी बात है कि आदमी ना, कोई ऐसा नहीं है कि आप जेठालाल हो, ऐसा नहीं कि आपको हम लोग वो शो में देखे। A character, a very famous character. So no, you are not a famous character, you are not a famous actor, but you are famous. हाँ हाँ, मैं समझा। मुझे याद नहीं दिलाने के, आप movie नहीं किया है, आप गाना नहीं गाते, आप नहीं नाचते हैं, आप TV serial नहीं किया है, आप athlete नहीं। मुझे पता है बाबा, मुझे पता है। वापस याद करने का नहीं, मुझे पता है। और ही कौन से actor से मतलब थोड़ा सा डर लगता है? परफॉर्म करने में, अभी तो थोड़े लोगों के साथ परफॉर्म किया ना, जैसे बिग बॉस में सलमान भाई के साथ जो परफॉर्म करते, थोड़ा डर लग रहा था कि नहीं? Like when you talk to them on stage, और जैसे मैं, मुझे डर नहीं लगता है, पर रिस्पेक्ट होता है, वो रिस्पेक्ट से एक बाउंड्री है। जैसे मुझे नहीं लगता इसको डर लगा होगा। शायद आप पूछा सलमान भाई या करण, जब भी कॉफी विद करण की, मैं उसे डर गया नहीं, मैं ऐसा नहीं कि वो मुझे मार रहा है, मैं डर रहा है करण से, नहीं।
पर रिस्पेक्ट है कि आदमी जिंदगी में क्या किया है, कहाँ पहुँचा है और क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स है और अचीवमेंट्स, इतना हार्डवर्क किया वैसा उसका, और सीनियर है वो, रिस्पेक्ट का वो डर नहीं है पर वो बाउंड्री है, होता है जैसा ए सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट इज देयर टू समवन हु इज, यू नो व्हाट आई मीन। मैंने औरी को देखा था हर्ष अर्पिता की बेटी की पार्टी में, और औरी एक लड़की के साथ था और दुनिया उधर मजे कर रही थी लेकिन औरी वो ऐसा घूमने वाला झूला होता ना औरी उस पे बैठा था झूले पे, सो स्वीट द रोलर कोस्टर। मैंने वीडियो भी बनाया और मेरी नैनी ने बोला दीदी, मैं क्या औरी, मैंने बोला है, मैं क्या हाँ झूले पे बैठा दीदी, मैं क्या दीदी अभी उसके मुंह पे वीडियो बनाऊंगी तो वो एम्बेरस हो जाएगा कि मुंह पे बना रहे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा मैं वीडियो बनाया, मैं मेरा दोस्त को बोला वीडियो ले लो मैं रोलर कोस्टर पर चल रहे, हाँ यार चार झूले बनाया और मैं लीक किया और उस पे ऐसे कर रहा था औरी। जैसा आपका उम्र ऊपर जा रहा है, आप जीवन जी रहे हैं, आप ओल्ड हो रहे हैं, ऐसा कभी एक टाइम आएगा जब बच्चा वापस सिर्फ एक मिनट के लिए बन सकता है, वो अपॉर्चुनिटी खींचो और ले लो कि वो वापस वो टाइम नहीं आता है। अभी मैं 30 होएगा, फिर 40 होएगा, 50 होएगा, जिंदगी में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा कि आप बच्चा जैसा मजा कर सकते हैं, वो रोलर कोस्टर बच्चा ही है, लेकिन अभी 28 साल का होने वाला, 29 साल का, फैमिली के बारे में क्या सोचा है, शादी शुदी कुछ है लाइफ में कि मजे से रहो? शादी के बारे में सोचा जब मैं 34 33 34 35 है, आराम से करना भाई, क्या माहौल होगा औरी की शादी, पूरे सोशल मीडिया पे औरी की शादी, और ऐसा होगा? पागलपन होगा। मुझे लगता है कि शायद आप अपनी शादी में सिर्फ आप बोलो कि सिर्फ मेरे फैन अलाउड है, जो उस दिन ऐसा भी हो सकता है, वो एक बहुत अच्छा आइडिया है जो मैं सोचा भी नहीं। तो मतलब जो फैन वो टी शर्ट होएगा उसको शादी में वो फाइव इट्स लाइक एनएफटी, मैं तो जरूर जाऊंगी मेंबर्स क्लब, जी मैं भी लूंगी वे टी शर्ट। मैंने क्या आइडिया दे दिया यार, अभी हम नहीं आ सकते शादी में, जिस काटर चेक आइडिया को अभी ले लो, नहीं तो बाद में वो बोलेगी और पैसा दे दो आइडिया के लिए, उसका भी 50 रुपीस ले लो, ले लो और हमें टी शर्ट्स का भी दे दो क्योंकि शादी में हम भी आएंगे यार, चाहे ब्लाउज के ऊपर से टी शर्ट पहनना पड़े लेकिन पहनेंगे। और मैं सच्ची बोलूं, मैंने जैसे मुझे पता था क्योंकि मैंने औरी के साथ काम किया है बिग बॉस में, हम दोनों एक साथ ही थे, मैंने औरी को देख लिया, औरी मतलब औरी एक मैं कहूँ ना ट्रांसपेरेंट, ये पानी है ना, तो औरी ऐसा है जैसा मुझे, मैं निकल जाऊंगा, मैं क्या औरी कह रहा था फटाफट करो, मैंने बोला औरी आराम से, नो नो मेरा फ्लाइट है, मैं बोला हूँ इनको होए ना होए मैं को दरवाजा खोल के निकल जाऊंगा, मैंने मन में सोचा औरी दरवाजा नहीं खुलेगा बिग बॉस का और खुल जाएगी नहीं तो हाँ, और ये माइक में भी बोल रहा था ओपन द डोर ओपन, मुझे फिल्म फेयर जा रहा था, मुझे फ्लाइट लेने का था, गिफ्ट सिटी में फिल्म फेयर में इंटरेक्शन सेगमेंट कर रहा था, मैं मिस नहीं जा सकते पर मैं किया, मैं दोनों किया, बहुत बार सब लोग बोला सैटरडे नाइट मेरे पास एक अपेयरेंस था, मैं लोलापलूजा कॉन्सर्ट का एक रील बनाने का था, नताशा पूनावाला का एक पार्टी था आफ्टर पार्टी जो जोनस ब्रदर्स के साथ, फिर मेरा ड्रेसिंग 4 AM था, फिर मुझे 6 बजे सोने का था, 8 बजे उठने का था, फिल्म सिटी आने का था, फिल्म सिटी से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी से हेयर एंड मेकअप रेडी, मेरा पूरा सूट फट गया जैसा टेलर गाड़ी में बना रहा था मेरा ग्लव्स, फिर फिल्म फिल्म फेयर पहुंचा और वहां मेरा सेगमेंट किया कि वो बिग डील था, नॉन फिल्म पर्सनैलिटी फिल्म फेयर पर स्टेज में जा, सेम स्टेज जो आलिया भट्ट SR के सब सीनियर एक्टर औरी को बुलाया, एक बहुत बड़ा ऑनर था, सब लोग बोला नहीं कर पाओगा, लोलापलूजा रील कॉन्सर्ट अपीयरेंस आफ्टर पार्टी ये वो ड्रेसिंग बिग बॉस का पूरा थिंग, फिर फ्लाइट, फिर आउटफिट फट गया, फिर अमित बोला जिंदगी में कोई मुझे नहीं बोल सकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता है, और मैं किया, मैं वो बिग बॉस सेट से निकल गया और मैं एयरपोर्ट भागा, क्या बात है, मैं फ्लाइट सब किया और मैं फ्लाइट पर किया और मैं फिल्म फेयर में परफॉर्म किया, और सब लोग बोला तुम्हें चूज करना पड़ेगा बिग बॉस या फिल्म फेयर, दोनों नहीं कर सकेगा, और दोनों किया, और मैं बोला मैं दोनों करेगा और भी करेगा। बहुत मजा आया यार औरी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सीरियसली इट मींस अ लॉट, बिकॉज हमने जब पॉडकास्ट शुरू किया था ना तब से मुझे था, क्योंकि मैंने बोला सब इंग्लिश में है और ही आके हिंदी में बताएं और इसे बात करने में मजा आएगा, और थैंक यू सो मच, आप कहीं ना कहीं इधर भी और एंटरटेनिंग अस, उसका क्रेडिट हम आपको देंगे, चाहे आप बोल रहे हो कि मैं जाता हूँ या मैं कुछ नहीं करता, बट स्टिल हमको मजा आता है देख के, हम उसको लाइक गाइस मेरे को तो एक्चुअली इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी कि मन नहीं कर रहा था कि इसको बंद किया जाए बीच में ही, और गर्मी इतनी है गाइस, पानी जरूर पीते रहे, हाइड्रेट करते रहे अपने आप को,
इतना इंटरेस्टिंग था ना कि मतलब मैं बिना एसी बिना पंखे के भी बैठी हूँ लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा. हाँ थोड़ा गर्मी तो ऑब्वियसली लग रही है बट गाइस एनीथिंग फॉर यू. एंड थैंक्स टू भारती एंड हर हस्बैंड कि इतना बढ़िया पॉडकास्ट बनाया ना, ये वाला मजा आ गया. मतलब ऑरी को हम एज लाइक एंटरटेनिंग पर्सन तो देखते ही थे, मतलब उसके शू उसके मतलब पोजेस उसके मोबाइल कवर्स और ये सब फनी एलिमेंट्स तो हमने देखे थे बट पर्सनली ऐसा कभी मैंने नहीं जाना था. He is such a sweetheart, मतलब he is such a cute, वो बच्चे जैसी एनर्जी है और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई ऋषि मुनि ना हमारे बिल्कुल इस 2004 वाले जनरेशन का ऋषि मुनि है कि भाई स्ट्रेस मत लो और अपनी लाइफ जियो, यही मोमेंट है प्रेजेंट. वो बहुत फन वे में बहुत गहरी गहरी बातें भी बोल रहा था कि भाई कब हम मतलब वेट मत करो, हम इस उम्र के होंगे तब करेंगे, जो जिस टाइम है जैसा है उसी को जी लो. बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी वो इनर चाइल्ड वो एनर्जी ना रिज्यूम हो गई है और एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि मेरा भी मन कर रहा है कि अब एक होता है कि एज के साथ हम धीरे 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 बहुत स्लो डाउन होने लग रहे हैं बट आफ्टर दिस पॉडकास्ट बड़ा मजा आया सुन के. मेरा भी मन कर रहा है मैं अपने आप को ही दोबारा प्यार करने लगूँ, वो स्टार्स्टक वाली फीलिंग जो एक एज में हुआ करती थी. और मतलब मैं भूल ही गई थी ये सब कि हम भी कितने खुश रहते थे, कितना एंजॉय करते थे, लाइफ वाज अ ब्रीज. बट अभी काफ़ी बट वेल देखो वो टी शर्ट सच में अगर मुझे चांस मिलेगा मैं तो डेफिनेटली लेने वाली हूँ और पहनने वाली हूँ. आई एम अ लिवर और मैं भी सोच रही हूँ कुछ अपने उसको लेके मैं भी कुछ टी शर्ट पे मतलब आई मीन लाइनिंग. आप क्या बोलते हो, आपको क्या लगता है कि क्या टैग लाइन होनी चाहिए मेरी टी शर्ट के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. आई वुड लव टू हियर दैट. और इसकी मुझे सबसे मतलब उस देखो कितनी सारी खूबियां पता चली. ही इज स्वीट, ही इज इनोसेंट लाइक ही इज इनोसेंट लाइक चाइल्ड, ही इज लाइक वेरी लॉयल टू हिज फैंस और यू कैन से हिज पीपल. मतलब वो जो फैन वाली पार्टी के बारे में बताया तो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर दैट कि अगर आपने 2500 पे किए हैं तो यू शुड गेट ऑल द पर्क्स दैट यू डिजर्व. वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, लोग इतना ध्यान नहीं देते, उनको लगता है चलो ठीक है पैसा आ गया किसी का होता है वो, मतलब ये लिटरली होता है. तो जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक वो पूछते रहेंगे और जब पैसा मिल जाता है तो आप कौन हो, ठीक है वो चीज़ होती है. लेकिन ही रियली केयर्स फॉर हिज पीपल, वो चीज़ काफ़ी कम है अब लोगों में और मुझे लगता है और इसे सीखनी चाहिए ये लोगों को. एंड सेकेंड थिंग वो यार मतलब ये तो मैं सोच मतलब हैरान हूँ, इसने मतलब क्या स्ट्रैटेजी बनाई है. एंड ही इसने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया पहले ही, मतलब इतना बढ़िया ब्रांड बना लिया. एंड ही इज लाइक बिना शूटिंग मतलब बिना किसी एक्टिंग करियर के, बिना किसी किसी कॉर्पोरेट में काम किए कुछ ऐसा, मतलब ये से किस यार हम सोच भी नहीं सकते इस लेवल पे इस बंदे ने वो काम कर दिया. आज इसके पास क्या क्या नहीं है, एड्स है, शूट्स है, फिल्म फेयर में जा रहा है, खुद सोचो मतलब एक एक दिन में दो दो काम कर रहा है. ये किसके पास ये काम का लग्जरी किसके पास है, बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत लकी होते हैं जिनके पास इतना बिजी रूटीन इतना बिजी शेड्यूल होता है और काम करते हैं और उनको प्यार भी उतना ही मिलता है. ये सच में यार ये लक की तो बात है. और हेल्थ को लेके भी ही इज़ वेरी पर्टिकुलर वेरी डेडिकेटेड, ही नोज हिज अपनी कमियाँ कि मैं ये खाऊंगा तो मेरे को ये हो जाएगा, तो वो कंट्रोल भी बहुत करता है. आई एम लविंग ऑल द एट्रीब्यूट्स और द ट्रेड्स ही हैज़, मतलब काफ़ी डेडिकेटेड है, पैशनेट है, अपनी हेल्थ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखता है, अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान रखता है. ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, ही नोज एवरीथिंग, मतलब एट द एज ऑफ 29 He is quite aware of each and everything. He is not just a funny person. He is very aware of everything around him. So, ये तो इस podcast से बहुत सारी learning रही है. I hope कि मैं अपने अंदर कुछ और अपने changes लाऊं, positive changes. और आपकी क्या क्या लर्निंग रही है इस podcast से मुझे comment करके ज़रूर बताना guys. और हाँ मुझे tagline ज़रूर comment करना. और मिलती हूँ आपसे फिर next video में. See ya.